चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी विद फ्रीक्वेंसी। तो एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/c ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πν। ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो एक्सी इज इक्वल टू 1/c इंटू 2πν। तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच में। ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये बी वाला ग्राफ ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।